नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन नेवी के अंतर्गत एक बड़ी सी वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस वैकेंसी में कौन कौन से पोस्ट हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, उम्र सीमा क्या है और आपको कितना पे स्केल यानी आपकी सैलरी कितनी होगी, इन तमाम चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। तो अंत तक बने रहें और चलिए बताते हैं आपको शुरू से। तो देखिए, इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स। अविवाहित मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है इंडियन नेवी में रिक्वायरमेंट आई है और इसमें जो भी एलिजिबल कंडीशंस हैं उनके लिए दे सकते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट, तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो दे सकते हैं आर्टिफिशियर अप्रेंटिस का है, यानी जिसे AA कहा जाता है। और इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है 10+2, कम से कम 60% मार्क के साथ या फिर उससे ज़्यादा, और एग्रीगेट आपका जो है मैथ्स फिजिक्स और कम से कम किसी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जाए केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, ये सारे अगर इन तीनों में से एग्रीगेट आपका 60% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। आपका जो एज लिमिट है वो जो है यहाँ पर दे सकते हैं, आपके एज लिमिट 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच होनी चाहिए। और इसमें आपको पे स्केल मिलेगी 21,700 रुपया और DA वो सब जो अलग से फिर आगे मिलेगी। जितना सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट का है देख सकते हैं, SSR जिसे कहा जाता है, इसमें भी 10+2 मांगी गई है और आपका जो है इंटर में यानी 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए और कम से कम केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, यानी PCM अगर है तो अच्छी बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। इसमें आपका परसेंटेज नहीं मांगा गया SSR में, इसमें भी एज लिमिट सेम है और पे स्केल भी आपका सेम है। और इसके लिए आपको दे सकते हैं, आपको जो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन करना है ये आपके 5 मई से पहले तक करना है, 5 मई 2021 का लास्ट डेट है। और इसके लिए और भी अगर अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और भी जानकारी पहले प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। इसके अलावा और भी किसी तरह की जानकारी के लिए इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट में जाइएगा indiannavy.gov.in पर, और भी जो है सारे जो नोटिफिकेशन है उसको क्लियरली पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस जानकारी को। जोहार।